हेलो डियर स्टूडेंट्स, 14 तारीख को सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज किया है, जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार से है कि डेट शीट जो है वो 18 तारीख को रिलीज की जाएगी। डेट शीट होगी उसके अंदर पहले माइनर सब्जेक्ट्स, उसके बाद में मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम होगी। मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट का जो फंडा है वो सीबीएसई ने टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 10:30 से होने की बजाय 11:30 से स्टार्ट होगा। 90 मिनट्स की एग्जाम रहेगी और जो एग्जाम में आपको पहले 15 मिनट एग्जामिनेशन के पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते थे, उसमें से 20 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम पेपर पढ़ने के लिए। जो रिजल्ट होगा टर्म वन के बाद में वो सिर्फ मार्किंग आपको मिलेगी, उसके अंदर कोई भी पास कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट जैसी चीज नहीं होगी। फाइनल रिजल्ट जब आपका बनेगा आफ्टर दी टर्म टू एग्जामिनेशन, उसके अंदर पास कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट सभी चीजें इंक्लूड की जाएगी। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट मार्किंग रहेगी। 50% में से मार्क्स दिए जाएंगे टर्म वन में, 50% में से मार्क्स दिए जाएंगे टर्म टू के अंदर।